हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों को कोई ब्लॉग नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। क्योंकि आज मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे आया है ब्लड डोनेशन कैंप, और यहाँ पे ब्लड मतलब डोनेशन आप लोग जो जो दिल है वो डोनेट कर सकता है, क्योंकि ब्लड डोनेट करना चाहिए। यहाँ पे बहुत आदमी आप यहाँ पे एक में बोलना एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत आदमी सोचता है कि ब्लड देने से मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, मैं बड़ा बीमार हो जाऊँगा, मैं बहुत मतलब बहुत कुछ सोचता है। लेकिन गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लड देना चाहिए। ब्लड देने से आप बहुत बहुत बीमारों से आप बचेंगे और आपका हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जब मैं ये डॉक्टर से आप लोगों को पूछ के बताऊँगा या डॉक्टर से मैं पूछूँगा। लेकिन आप देख सकते हैं मेरा पीछे में ये ब्लड डोनेट करने वाले गाड़ी है और यहाँ पे दिया जा रहा है। बहुत आदमी देने शुरू कर दिया अभी हम भी देंगे, तो अभी हम लाइन में रुका हुआ है। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये भैया भी अभी देंगे। आप देने में बहुत खुश है क्या? हाँ, खुश है, मतलब डोनेट पहले भी किया है। अच्छा, और आपको देने के बाद फील कैसे आया है? जैसे आप ब्लड डोनेट दिया उसका बाद कैसे फील आया है? थोड़ा हल्का होता है शरीर। अच्छा, कोई आपको ऐसा तो नहीं है कि कमजोरी हो गया, बड़ा बीमार हो गया, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं ऐसा नहीं है ना। चलिए ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, और भी हम ना डॉक्टर से बात करेंगे उसका बाद। सो गाइस, अभी हम लोग का सर को मिल गया हूँ। सो अभी पूछते हैं सर को क्या क्या है, कैसे भी यहाँ पे एक बार पूछता हूँ सर। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? डॉक्टर सैमसिंग सिंह। अच्छा, देवसे सिंह। तो सर, ऐसा है कि आदमी लोग जैसे बोलते हैं कि ये ब्लड देना अच्छा बात नहीं है, या कोई बोलता है कि बीमार है या बीमार हो जाता है, इस टाइप में होता है, तो ये कितना तक सही है, कितना तक गलत होता है? ब्लड देना सबसे अच्छा बात है, और ये गीता के अनुसार से ये पुण्य भी है, क्योंकि ब्लड देने से आदमी का जीवन बचता है, सेफ हो जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा बात है। और साइंटिफिकली जो है ना, अगर कोई ब्लड नहीं देते तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका ब्लड बढ़ता जाएगा, उसका ब्लड कम होगा, वो बात नहीं है। ब्लड का लाइफ साइकिल है 120 डेज, जो प्रत्येक एवरी 120 डेज में जो पुराना ब्लड है वो ऐसे मर जाएगा और नया ब्लड बनते रहेगा। अगर किसी को एक मिनट ब्लड दे तो उसका कुछ नुकसान नहीं है। ऐसे अब हम लोग जो जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक यूनिट तो एक्स्ट्रा करके रखा हुआ है, रहता ही है मतलब। हाँ। और जैसे कोई बोलता है कि आपका ये किस हिसाब से मतलब देना चाहिए, मतलब साल में कितना बार होता है, कितना बार दे सकते हैं एक आदमी मतलब? हाँ, ना मतलब आप कम से कम एवरी थ्री मंथ इंटरवल आप ब्लड दे सकते हैं। साल में मतलब चार बार दे सकते? फिर भी साल में चार बार दे सकते हैं। लेकिन अगर साल में एक दो बार अगर कोई देते तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नुकसान नहीं होता। सही, तो आप लोग जान सकते हैं, सर बता दिए हैं। तो सर भी थैंक यू आप यहाँ पे आने के लिए, आप सभी तरफ से आपको भी थैंक यू। अच्छा, हम लोग का मैं सारे बुकाजान के आदमी को, बुकाजान के निवासी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके आज जो आप लोग जो ऑर्गेनाइज किया। हाँ जी सर। ये जो इंडस्ट्री वाले हैं, तो हम लोग के जो जितना टारगेट है उसके मुताबिक टोटल 22 यूनिट मिला है। आए थे 27 लोग, 5 लोगों को किसी की ना किसी की वजह उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने जो कोई तो काम किया है, जो ब्लड है हम जिसका जो जरूरी है हमको उसका जान बचाने के लिए हम ले जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा तरफ से सर थैंक यू आप लोगों को। तो आप लोग फिलहाल अभी ब्लड दे के निकल के आए हैं, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है अभी? मतलब अच्छा लग रहा है ना? ORS खा रहा हूँ, फ्रूट मिला। और ये यहाँ से निकालने का बाद दिया, यहाँ से वहाँ पे तो ब्लड निकलने के बाद में दिया मैंने। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने इधर में दिया, हमको अच्छा लग रहा है। मेरा ब्लड अगर कोई किसी का आदमी का अंदर में डालेगा तो हमको खुशी लग रहा है, खुशी लग रहा है। ब्लड हम दे दिया, हम डोनेट किया है इसी के लिए। अच्छा, ये करना चाहिए, आपका ब्लड किसी के लिए काम आएगा, क्योंकि और ऐसा तो नहीं है कि आप बीमार हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ है ना? नहीं, ये बीमार हम ऐसे बीमार उमार हो जाएगा बोल के ये नहीं। मेरे को अच्छा लगा, मेरे को देने का मन किया तो मैं दे दिया। मेरा ब्लड से किसी इंसान मरा हुआ इंसान अगर अच्छा हो जाएगा तो मेरा लिए खुशी का बात है। जरूर जरूर, ये सही बात बोला आपने, ये इसके लिए थैंक्स आप मेरे तरफ से। लेकिन आदमी जो बोलता है कि ब्लड नहीं देना चाहिए, कोई कोई बोलता है डर है, बीमार हो जाएगा बहुत, वो आदमी का सोच गलत है। अच्छा अच्छा, सही सोच गलत है। ब्लड देने के लिए ये बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, सही देने से आदमी का और अच्छा हो जाता है। चलिए सही है। हेलो, यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग ब्लड देने के लिए रुका हुआ है। अभी हम लोग जाएंगे, सब देंगे यहाँ पे ब्लड। अभी दिया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, दिए जा रहा है अभी यहाँ पे। अभी
तो गाइस आप लोग समझ गया होगा, हम लोग का सर ने, डॉक्टर सर ने समझा दिया आप लोगों को कि ब्लड देना एक अच्छा बात है, और आप ब्लड देके किसी का जान भी, आपका ब्लड से किसी का जान भी बच सकता है गाइस। तो आप लोग भी कोई कोई जिसको पास में कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर दीजिएगा। तो ये वीडियो खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक तो जरूरी है गाइस, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।